हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना की लाइफ में। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। और ये जो मेरा ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मेरे मतलब बहुत सारी दिक्कत थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी जिससे हम लोग निपट रहे थे। इसी बीच में ब्लॉग व्लॉग करने का मतलब टाइम नहीं मिला एंड वो सिचुएशन ही नहीं था कि आदमी कुछ मतलब बोल पाए, तो इस हिसाब से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो अब फाइनली सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सब से एक ज़रूरी बात बतानी है कि मतलब क्या परेशानियाँ थी जिस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो फर्स्टली कि इनको देखिए, ये हैं हमारे महाशय, छोटे वाले बादशाह हैं, बड़े वाले तो मेरे दो बेबी हो चुके हैं और दोनों बेबी बॉय हैं। तो फर्स्ट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सेकेंड टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानियां हमको मतलब फेस करना पड़ा। और क्योंकि बेबी ब्रिज पोजीशन में हो गया था तो फिर सिजेरियन भी कराना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी प्रॉब्लम और परेशानियों के वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, बट अब आपको मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखने को मिलेगा। और आज है मतलब जीवतिया, जो जीवत पुत्रिका के नाम से जाना जाता है, वो कल है उसका फास्ट अष्टमी के दिन। तो आज है सप्तमी, तो सप्तमी को खा पी के हम लोग व्रत रहेंगे अष्टमी का। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4 बज रहे और मैं उठ गई हूँ सुबह का जो खाना खाया जाता है उसके लिए, और ये हमारा खाना बनके तैयार भी हो चुका है और ये बेबी भी जग गया था तो मैं इसको लेके खाई। उसके बाद से थोड़ा दही चूड़ा खाने का भी नियम होता है, तो ज़्यादा नहीं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है दही खाने से मुझे, तो मैं थोड़ा बहुत दही चूड़ा खाई। और उसके बाद से फिर पतिदेव जी ने एप्पल छील के दिया था तो मैं ये एप्पल भी खा ली फटाफट क्योंकि सुबह भी होने वाला था। और ये लास्ट में प्रोटीन वाला दूध और केला। तो फ्रेंड्स, अभी दिन के 12 बज रहे हैं और सुबह में हम लोग उठे थे खाने पीने के लिए, वो सब खा पी के हम लोग सो गए थे। फिर सुबह 8-8 बजे उठे आराम से, उसके बाद उठने के बाद से छोटे बेबी का मालिश किए और थोड़ा बहुत काम था उसको किए। और अब भी 12 बज रहे हैं, मतलब दोनों बच्चों को सुलाने में मतलब 12 बज गए हैं मेरे। जो बरियार का पौधा होता है उसकी साफ़ सफाई, वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दें क्योंकि शाम को वहीं पे पूजा करना रहता है। तो अभी चलते हैं, आपको बरियार का पौधा दिखाते हैं। इधर बहुत मतलब बहुत मुश्किल से ही मिलता है, तो पतिदेव जी गए तो दूर से लेके आए हैं मेरे लिए वहाँ लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, इतना बारिश आता है तो सारा तरफ पानी भर गया है, बट इस टाइम बहुत तेज़ धूप है। तो ये है हमारा बरियार का पौधा, ये भी बहुत मुश्किल से मिला है इसको। इस पौधे को बकरियाँ खा गई हैं लेकिन फिर भी मिल गया है, तो ये पकड़ लिया अच्छे से। और ये है हमारी तुलसी जी का पौधा है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ की लिपाई पोताई कर दी है अच्छे से और अभी इसको सूखने देते हैं एंड शाम को यहाँ पे हम पूजा करेंगे। घर पे आ गए, घर में आ गए, इतना बाहर धूप था, फटाफट घर में चले आए काम करके। और ये दोनों बच्चे सो रहे मेरे और हम भी अभी आराम करेंगे, और जब शाम होगा नहाने वाला टाइम तब नहा के पूजा वूजा करेंगे तैयार वैर होके। तो अभी रेस्ट करते हैं एंड मिलते हैं आपको इवनिंग के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग हो चुका है और इवनिंग के 4 बज रहे हैं और इस टाइम नहाया जाता है, फिर पूजा किया जाता है। तो इस टाइम दातुन वातुन किया जाता है, तो मैं भी दातुन कर रही हूँ और दातुन करके फटाफट नहाऊँगी, उसको से तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ पूजा करने क्योंकि शाम हो रहा है, तो मैं फटाफट तैयार हुई हूँ। तो अभी चलते हैं पूजा करने और दिखाते हैं पूजा का विधि। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थाली जिसमें पूजा का सामान रखा हुआ है। अभी चलते हैं बरियार के पौधे की तरफ। चलो लड्डू आ जाओ, आओ। Thank you.
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पूजा पाठ हो चुका है और इस टाइम से रात भर और निर्जला व्रत रखना पड़ेगा। तो सुबह में पारण वारण करना है। और ये छोटा बेबी मेरा रो रहा है, क्यों रो रहे हो बेबी? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हो गया है सुबह और कल का व्रत रहने के बाद से अभी हम सो के उठे हैं और अभी नहाने जा रहे हैं। कल वाला मेकअप मैंने उतारा ही नहीं, तो वैसे ही का वैसे ही। तो अभी हम जाएंगे नहाने और लड्डू सुबह सुबह पिट चुका है। नहीं बेबी, सुबह सुबह ये पिटाया है। नहाने के बाद से पारण वरण का जो विधि होता है वो करेंगे, क्योंकि आज पारण लेट से भी है, तो उसके पहले की जो विधियाँ होती है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा वहाँ के रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ जाई वाई घोटने, जिसको घोटने के बाद से ही खाना खाया जाता है। तो बेबी मेरा रो रहा है और ये वाला काम हम फटाफट कर लेते हैं। तो अभी चलिए माता जी के पास चलते हैं, क्योंकि वही ये सब बना बना के रखती हैं। चलो बेबी रोना बंद करो, रोते नहीं, अभी आती हूँ मैं। हमारा जाय घोटने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है खाना खाने की, मतलब पारण करने की। तो वो 10 बजे से है, तो उस टाइम करेंगे। अभी बस लाल वाला चाय पियेंगे, क्योंकि गले में थोड़ा खसखसाहट आ रहा है। मेरा घर साफ करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी जल्दी दो। तुम आलू बना दोगी तो मैं खाऊंगी, तुम बना लोगे? जल्दी धो लो। कितना स्लो काम करते हो तुम। तो फ्रेंड्स हमारा खाना बनके हो गया तैयार और मैं खाना निकाल भी ली हूँ। अभी चलते हैं खाने और दिखाते हैं मैं क्या क्या बनाई, नॉर्मली खाना बनाई। तो फ्रेंड्स ये है हमारा खाना, वो पतिदेव जी का है, ये मेरा है। तो मैं खाना शुरू करती हूँ।